से जिला ग्राम चोलापुर के प्राथमिक विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं अच्छी होते हुए भी यहां के शौचालय की हालत बद से बदतर बनी हुई है। यहां पढ़ने वाले कक्षा पांचवी के छात्र सिराज अंसारी सहित 146 छात्र छात्राओं को शौचालय संबंधी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में आकर पढ़ाई करना अच्छा लगता है? जी। आपके विद्यालय में कोई समस्या होती है? जी। कैसी समस्या होती है? जी, सफाई करने नहीं आती। आपको स्कूल में आकर पढ़ाई करना अच्छा लगता है? जी। आपके विद्यालय में किसी चीज की समस्या भी होती है? जी। किस चीज की? शौचालय की। कैसी समस्या होती है बेटा? शौचालय में हम लोग जाते तो बदबू देती है, इसलिए हम लोग नहीं जा पाते। उसमें साफ सफाई क्यों नहीं होती है? सफाई करने नहीं आता है। यहाँ पे कितने टीचर हैं मैम? 7 महिला स्टाफ। और बच्चे कितने हैं? 146 बच्चे हैं और 3 रसोई हैं। मैम आपको क्या समस्या इस विद्यालय में है? सफाई कर्मी नहीं आता। तो उससे क्या समस्या होती है आपको? सफाई कर्मी नहीं आता तो पैसे देकर सफाई करवाना पड़ता है शौचालय। ये पैसे कौन देता है? हम देते हैं। आप कितने दिन से ये साफ सफाई करवा रही हैं? हम आए हैं यहाँ पे 2012 सितंबर। इसके लिए आपने किसी से कोई बातचीत की थी? गांव प्रधान को बोले थे, प्रधान जी से। क्या बोले उन्होंने? बोले ठीक है भेज देते। तो अब तक आया कि नहीं, क्या हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के इस मोबाइल नंबर 9453004187 पर कॉल करके दबाव बनाएं, ताकि यहां के परेशान छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान हो सके। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।